नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ ज्योतिषी सत्यन दवे लोकसत्ता जनसत्ता में आपनु स्वागत करूँ छू। आज आप काली चौदस विषय चर्चा करीशू। दिनांक 23/10/2022 ने रविवार काली चौदस रहेशे। मित्रों, आ दिवस ने काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, गोगा चौदस तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों, पूर्वमां कहेवाय छे के नरकासुर नामक राक्षसने वशमां 16,000 कन्याओं ने वशमांथी मुक्त करावा भगवान श्री कृष्णे युद्ध करी ए 16,000 कन्याओं ने मुक्त करावी छे अने एमनो उद्धार कर्यो छे। एटले आ दिवसने नरक चतुर्दशी तरीके पण ओळखवामां आवे छे। मित्रों, ए साथे आ दिवस रूप चौदस तरीके ओळखवामां आवे छे। मित्रों, आ दिवस दरमियान गृहिणीओए बने एटला साज शणगार करी करवा जोईए, जेथी करीने आखा वर्ष दरमियान एमनुं दाम्पत्य जीवन सुमधुर रहे अने एमना दाम्पत्य जीवनमां दरेक प्रकारना आनंदनी प्राप्ति करी शके। मित्रों, आ दिवस ए अभ्यंग स्नान माटे पण श्रेष्ठ दिवस मानवामां आवे छे। मित्रों, आ दिवसे कहेवाय छे सवारे ब्रह्म मुहूर्तमां अथवा वहेला उठीने आखा शरीर उपर सुगंधित तेल अथवा उपटन लई आखा शरीर पर मालिश करी अने स्नान करवाथी, आ अभ्यंग स्नान करवाथी आखा वर्ष दरमियान आपनुं शरीर सुगंधित रहे छे अने आपना द्वारा लोको आकर्षित थाय छे। आपना व्यवसाय में, आपना धंधा रोजगार में आपने खूब उन्नति, खूब प्रगति प्राप्त थाय छे, लोको आपनाथी आकर्षित थाय छे। मित्रों, ए साथे आ दिवसे मशीनरी पूजा, यंत्र पूजा, भगवान घंटाकर्णनी पूजा, हनुमान दादानी पूजानो पण महत्व बतावामां आवेलुं छे। मित्रों, काली चौदस विषे घणी गैरमान्यताओ प्रवर्ते छे। मित्रों, पण काली चौदस ए मंत्रने सिद्ध करवा माटे, यंत्रने सिद्ध करवा माटे, उपासना करवा माटेनो श्रेष्ठ दिवस छे। मित्रों, आ दिवसे कहेवायुं छे के कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणा। चंडीपाठमां कहे छे के आ त्रण रात्रिओनुं खूब ऊंचुं महत्व छे। मित्रों, आ दिवस दरमियान व्यक्ति जेटली उपासना करे, जेटला मंत्र करे, जेटली परमात्मानुं ध्यान करे एनुं 10 गणुं फळ प्राप्त थाय छे। मित्रों, आ दिवसे आपनी रोजिंदी उपयोगमां लेवाती मशीनरीओ फेक्टरीमां, दुकानमां, घरमां एनी पण पूजा करवी ए खूब योग्य गणाय छे। मित्रों, खूब जरूरी छे। मित्रों, मशीनरी पूजा करवी, हनुमान दादा ने प्रसन्न करवा, भगवान घंटाकर्ण जैनो ए भगवान घंटाकर्णना दर्शन पूजा करवी, घणा धनाढ्य परिवारों में, उच्च कक्षाना परिवारों में आ दिवसे खास करीने एक उपासना थाय छे। मित्रों, ए पण आजे आपणे साथे चर्चा करीशुं। आ बने तो रात्रे 11 वाग्या पछी पवित्र स्नान करीने लाल रंगना वस्त्र धारण करीने सुंदर मजाना बाजट उपर लाल स्थापन पाथरीने, लाल कपड़ू पाथरीने एना उपर मां भगवतीनू सिंहवाळू चित्र अथवा सिंहवाळी मूर्ति विराजमान करवी, ए मूर्तिने शुद्ध स्नान करावू, सुंदर अभिषेक करवो, लाल पुष्प अर्पण करवा, रक्त गंध भगवान ने अर्पण करवू, माताजी ने अर्पण करवू, अक्षत अर्पण करवा, नैवेद्य धूप दीप नैवेद्य अर्पण करवू अने माताजी आगळ बेसी ने हूँ एक मंत्र जणावू छू एनो सतत जाप करवो। मित्रों, ए मंत्र छे सर्व सर्वा बाधा प्रसमनम त्रैलोक्येश्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद वैरी विनाशनम। आ मंत्रना बने एटला पाठ करवा। मित्रों, आ करवाथी मां प्रसन्न थाय छे अने आपड़ा जीवनमांथी दरेक बाधाओने दूर करी, दरेक विघ्नने दूर करी
અને દિન પ્રતિદિન આપણી પ્રગતિ થાય છે મિત્રો। આજના સમયમાં આપણા ઘરે શું રાંધ્યું છે એનાથી લોકોને મતલબ નથી, પણ બીજાના ઘેર શું રંધાયું છે એમાં વધારે રસ છે। એટલે એવી કોઈ પણ પ્રકારની નજરાધી દોષ આદિ બાધાઓ ન લાગે એટલે આ પ્રકારની ઉપાસના ઉચ્ચ કક્ષાના પરિવારોમાં થતી હોય છે મિત્રો। આ દિવસે ગોગા ચૌદશ પણ કહેવામાં આવે છે। ઉત્તર ભારતમાં ઉત્તર ગુજરાતમાં આ દિવસે ભગવાન નાગદેવતાની પણ ઉપાસનાનું ખૂબ મહત્વ છે મિત્રો। આ દિવસે સાયંકાલે ગૃહિણીઓ ઘરમાં અડદની દાળના વડા બનાવીને ઘરના દરેક વ્યક્તિઓના માથા ઉપરથી ઉતારીને ચાર રસ્તે મૂકે છે, એના આગળ ગોર કુંડાળું કરવું જેથી કરીને ઘરના દરેક પરિવારના સભ્યો ઉપરથી નજર ઉતરી જાય મિત્રો। આ દિવસે દીપમાલાઓ પણ કરવી, ભગવાન યમદા દીપદાનનું પણ મહત્વ આ દિવસે પણ બતાવેલું છે। આ દિવસે ભગવાન યમને દીપદાન કરવાથી આપણા પિતૃઓની સાત પેઢીના પિતૃઓને નરક પ્રાપ્તિમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે મિત્રો। તો આ રીતે આપ સહુ આ કાળી ચૌદશને, આ નરક ચતુર્દશીને, રૂપ ચૌદશને ખૂબ જ ભવ્યતાથી ઉજવશો, ખૂબ જ ભક્તિભાવથી ઉજવશો એવી આશા સાથે હું સત્યન દવે આપ સહુની વિદાય ચાહું છું। હરિ ઓમ।